फिर से आशा के पास चलते हैं। आशा, ओवर टू यू, कौन है आपके साथ अब? जी अमानक, मेरे साथ सुभाष सी अग्रवाल जी हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एसएमसी ग्रुप के। फाइनेंस पे हम इनसे बात करेंगे। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र को फोकस करता हुआ बजट है, और क्योंकि 5.8% ये टारगेट रखा गया है कि इस पर सीमित रखना है अपने फिजिकल डेफिसिट को, और 4.5% का क्योंकि लक्ष्य है अगले साल के लिए। तो लेकिन ये बताइए, क्या हम उस राह पर हैं अग्रवाल साहब, ये फिजिकल डेफिसिट को, क्योंकि इसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अभी तक सरकार चैलेंजेस को इस हिसाब से पूरा कर पाई है? हाँ जी, देखिए, इस साल का हमारा फिजिकल डेफिसिट का टारगेट 5.9% था, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने 5.8% बोला है, और नेक्स्ट ईयर 5.2% पर कंटेन करने की बात की है, और उससे नेक्स्ट ईयर 4.5% का टारगेट था, जो कि उसको हिसाब से अचीवेबल टारगेट है। जिस हिसाब से इन्होंने मैप रखा है, उस हिसाब से ये अचीव हो जाएगा 25-26 के अंदर। और रूरल फोकस की जब बात करें, 5 साल के अंदर 2 करोड़ घर बनाने का जो लक्ष्य रखा है, तो इससे हमारी रूरल एंड रोजगार भी मिलेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर बेस इंडस्ट्रीज भी इसके बढ़ेगी। और जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर 10 लाख करोड़ था, उसको 11,10,000 करोड़ के ऊपर इस साल 25 में रखा है, तो इससे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज लाइक पावर, सीमेंट, स्टील, ये सारी इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। अच्छा, एक अहम महत्वपूर्ण चीज देखने को मिली है कि टैक्स सेविंग्स के लिए इसमें ऐलान किया गया है। क्या ऐलान है, कैसे फायदा पहुंचाएगा, और कब तक माने इसका इम्प्लीमेंटेशन हमें देखने को मिलेगा? 1 लाख करोड़ का एक कॉर्पस बनाया है, तो ये उन लोगों के लिए रहेगा जो टैक्स सेवी लोग हैं, तो जो स्टार्टअप्स हैं, डिजिटली गुड हैं, या स्किल डेवलपमेंट डिजिटली के अंदर बढ़ा रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा रहे हैं, वो उन लोगों के लिए एक कॉर्पस है। तो ये एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और जो स्किल सेवी लोग हैं या स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके लिए ये फायदेमंद। मेन होता है कि एलोकेट कर दिया जाता है, लेकिन फिर वो फंड रिलीज नहीं होता, या फिर खर्चा नहीं हो पाता पूरा, कई बार वो वापस करने की नौबत तक आ जाती है, तो उस पर भी क्या निगरानी होगी, उसके लिए भी कुछ व्यवस्थाओं की बात कही गई है? देखिए, अभी जो बात करी गई है वो 1 लाख करोड़ का एक फंड बनाएंगे, जो टैक्स सेवी लोगों के लिए काम में आएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रही है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि ये एलोकेट करने के बाद खर्च नहीं करेगी। अच्छा, स्टार्टअप्स की फील्ड में हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, माना कि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और स्टार्टअप्स लगातार देश में इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, तो स्टार्टअप्स के लिए भी कुछ इसमें ऐलान किए गए हैं, वो कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, क्या नया है इसमें? हालांकि अंतरिम बजट इसके बावजूद और जुलाई में और ज्यादा उम्मीदें की जाएंगी, स्टार्टअप्स के लिए कैसे पुश देने के बाद? अभी एक डिडक्शन थी इनकम टैक्स के अंदर, जो फाइनेंस ईयर 24 तक सीमित थी, उसके लिए एक साल 25 तक इसको एक्सटेंड कर दिया है। न्यू एंटरप्रेन्योर और जो सॉवरेन के लिए, तो ये एक साल के लिए एक्सटेंड कर लिया है, तो अब इसमें ये है कि वो क्लैरिटी बन गई है कि ये एक साल के लिए एक्सटेंड होने से। ओके आशा, और यहां से हाँ लौटूंगा आपके पास, आशा लौटूंगा।